हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स। आज बजट आया अपना 2018 में, जेटली साहब ने बजट पेश किया। हाँ, हम शेयर में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई खास अच्छी खबर नहीं है, एक्चुअली बुरी खबर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लगा हुआ है आज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शेयर्स पे और म्यूचुअल फंड दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड से आपको जो डिविडेंड मिल रहे हैं, जो लोग जैसे प्रूडेंस फंड वगैरह में जो डिविडेंड लगा रखे, जो कि क्वार्टरली डिविडेंड ले रहे हैं, फिर किसी भी फंड में अगर आप डिविडेंड वाला ऑप्शन लिए हैं, ग्रोथ वाला नहीं लिए हैं, जिस म्यूचुअल फंड में पिछले मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, तो म्यूचुअल फंड में दो टाइप के, ग्रोथ फंड और डिविडेंड फंड, ठीक है। तो अब डिविडेंड पे भी ये 10% वाला लगने वाला है, जगह एक साल के। तो ये लॉन्ग टर्म क्या हुआ, एक साल के बाद, मतलब इन्वेस्टमेंट आपने 1 जनवरी 2018 को, जैसे मान लीजिए कि आज किया, 1 फरवरी 2018 को आपने किया, तो 1 फरवरी 2019 आ जाएगा, तो आप एक साल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म, उसके पहले एक साल से पहले आप बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म हुआ, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है, और इसका हम लोगों के जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें, उसका क्या असर क्या होने वाला है, ठीक है, मैं उसको आपको अगले वीडियो में बता रहा हूं। तो एक जानने वाली बात है कि पहले, मतलब अभी तक, आज जो बजट आया इससे पहले तक, एक अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था नहीं। मतलब कि आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए शेयर में, और मान लीजिए कि एक साल बाद वो 3 लाख रुपया हो गया, मतलब आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब आप उसको एक साल बाद बेच रहे हैं, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको जीरो, कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते थे, कोई टैक्स नहीं लगता था। एक साल से पहले जब भी आप देते थे तो 15% टैक्स लगता था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये, अब ये 15% तो जैसे जो है ये लगेगा ही लगेगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए वही चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी आप जो गेन होता है उस पर 10% टैक्स लगने वाला है, जो भी आपका प्रॉफिट होगा। तो कैसे, जैसे कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन होने वाला है, मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए आपने लगाया और एक साल से पहले आप बेच रहे हैं और 6 लाख रुपए आपका हो गया है, 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए हो गया है, तो मतलब आपको 1 लाख रुपए का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। इस पर टैक्स कितना लगेगा, 15%, ये पहले भी लगता था, मतलब कि 15,000 रुपए आपका टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये अभी भी रहेगा ऐसे ही। अब हम लॉन्ग टर्म वाला जो नया लगा है उसको देखते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए आपने लगाए और एक साल बाद आपका ये इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपया हो गया, मतलब आपको 3 लाख रुपए का गेन हुआ है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए हुआ, लेकिन टैक्स लगेगा केवल 2 लाख पे, मतलब 1 लाख तक क्या है, 1 लाख तक आपका कोई कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 5 लाख रुपए यदि 6 लाख रुपए ही रहता, एक साल बाद भी बेचते, तो आपको कोई भी जीरो टैक्स लगेगा, ठीक है। अब यहां पे मेरा 3 लाख हुआ, मतलब कि 1 लाख से ऊपर 2 लाख रुपए ज्यादा हमारा इनकम हुआ है, कैपिटल गेन हुआ, तो उस 2 लाख पे मुझे 10% देने हैं, मतलब 20,000 रुपए मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब याद रखिए कि नो LTCG फॉर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए से नीचे के यदि आप ईयरली गेन करते हैं, तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं, 1 लाख रुपए यदि आपने एक साल में गेन किया, तो आपको एक्चुअली कुछ नहीं देना है। जो भी 1 लाख रुपया से ऊपर जो भी पैसा आपका जाएगा, प्रॉफिट होगा, उस पर आपको बस देना है कितना, 10%, ठीक है। तो होप ये आपको कैलकुलेशन एकदम समझ में आ गया। शॉर्ट टर्म जैसा है उसे चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म में यही जो गेन आया, और ये म्यूचुअल फंड और उस पे इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स पे, दोनों पे ही लागू है, ठीक है। एक चीज इन लोगों ने आज किया है कि आप ये वाला देखिए, ये लोग यह कि अप्लीकेबल 31 जनवरी प्राइस से, ठीक है, बॉट फॉर दर्ली। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि कल तक, कल 31 था, कल तक जो प्राइस था, ठीक है, उसके ऊपर जो गेन हुआ उसी पर टैक्स लगेगा। तो आज तक जो आपने इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, उस पैसे में जो बढ़ोतरी होगी आज से, ठीक है, कल के मतलब 31 के बाद से उसी पर लगेगा। तो हम इसको एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक ए आपने खरीदा है और आपने इसको 1 जनवरी 2017 को खरीदा था 100 रुपया में। अब ये इसका जो प्राइस है 2018, मतलब कल इसका प्राइस 120 रुपया पे बंद हुआ है, ठीक है। अब जब आप बेचने गए प्राइस ऑन 31st 2016, यदि उस दिन 150 रुपया हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो
₹30, जो केवल ₹30 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, उस ₹30 पे आपको 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है, केवल ₹30 पे लगेगा, मतलब टोटल ₹50 पे नहीं, केवल ₹30 पे, मतलब कि कल का जो प्राइस था उससे ऊपर कितना बड़ा। और मान लीजिए कि प्राइस 31 दिसंबर को केवल 120 ही है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, अब ₹20 अपना, ₹20 जो अपना बचा अपना पॉकेट में ले जाइए, ठीक है। इसी यही मतलब है जो उन लोगों ने बोला है कि 31 तारीख तक, 31 तारीख के बाद के पैसे पे लगने वाला है। तो जो आज तक आपके जितने पैसे जो बने हुए हैं आपके पोर्टफोलियो में, अब आज से जितना बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल में 1 साल के कैपिटल गेन के बाद में आ रहा है, तो आपको इसमें आपको देने पड़ेंगे उस पे 10% टैक्स, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारा डिटेल उसमें समझना है मुझे भी कि क्या है कैसे है और इसके मेरे पास ऑप्शन क्या है, कैसे मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, एक चीज मैंने क्लियरली देखा कि जो म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड डिविडेंड वाले लोग जाते थे, डिविडेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, तो अब उसको ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी पहले एक डिविडेंड पे पैसे कट के मिलते थे, अब वो डिविडेंड पे भी 10% लगने वाले हैं, जब अगर वो 1 साल के बाद का गेन दिखाए तब भी, ठीक है। तो ऑलरेडी डिविडेंड पे कुछ टैक्स कटता था, अब उस पर 10% एक्स्ट्रा उस पर लगने वाला है। तो एक मेरे को समझ में आया कि कोई भी म्यूचुअल फंड आप ग्रोथ वाला ऑप्शन लीजिए, डिविडेंड ले लीजिए, बाकी देखता हूँ कि और क्या क्या इसमें चीज़ें आई हैं, फिर मैं आपको ये एक अलग वीडियो बनाऊंगा उससे रिलेटेड, और फिर मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका जो भी मेरा नया वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन उसके मिल जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।